तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हमारे पास ओकी 90 है और इसका एक साल भाई ने चला लिया, मेरे दोस्त ने। तो मैंने सोचा एक साल बाद चला के देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो अभी एक साल होने के बाद ओकी नावा का वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये। तो चलो चलाते हैं और देखते हैं क्या वर्स्ट एक्सपीरियंस है। देखो खटखट की आवाज़ आ रही है, गाड़ी का मिरर की क्वालिटी वर्स्ट हो चुकी है। अब करते हैं कि क्या सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है। देखो सबसे मेन बड़ा रीज़न पता है क्या है, इसके ब्रेक्स बहुत वाहियात हो चुके हैं। फ्रंट वाला देखो काम ही नहीं कर रहा, पूरा दबाव तब काम कर रहा है। और सबसे बड़ा इशू ये देखो नाच मेरी बुलबुल ये देखो मैं छोड़ नहीं सकता। देखो भाई EVs में सबसे वाहियात वो है ये सीन। मैं भाई पर्सनली जब मैंने ये देखी थी ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, पर अब इसमें वो बात रही नहीं है। देखो इसको भाई, अगर कोई बंदा छोड़ दे हाईवे पे वो तो सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर से फ़ोन आएगा उसके लिए। बाकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ, देखो लहराना कंफर्ट इसमें है। बट देख ये क्या है भाई, ये छलक आउट कर देगी आपको। मतलब कंपनी अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाई इस प्रॉब्लम को, और थोड़े सस्पेंशन स्टिफ हो गए हैं। स्टिफ मतलब हार्ड, मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहे, पर स्टिफ बहुत हो गए हैं। तो उस चीज़ का भी बड़ा इसमें रोना है। बाकी लहरा के चलाओ या वैसे चलाओ तो थोड़ा इसको क्लियरेंस भी बड़ा चाहिए होता है मोड़ने के लिए। इसके कंपेयर में ओला थोड़ी तो भी रिजल्ट अच्छा बेनिफिट देती है। चाइनीज़ कंपनी है तो चाइनीज़ प्रूफ क्यों कर रहे हो भाई, हम चाइनीज़ कंपनी है, ऐसा चाइनीज़ है भाई। अब कंपनी वाले बोलेंगे भाई तुम ओला की भी बुराई करते हो, इसकी भी बुराई करते हो, पर भाई जो बुराई करवा रहा है तो उसकी तो बुराई करना बनता है। देखो फिर से भाई डरा देगा किसी नए बंदे को, दे दी ये गाड़ी तो, मेरे को तो मालूम है इसका हैंडल ऐसा है। बाकी ओवरऑल चलने में बताऊँ ना ठीक है, पर मैं इतना बेस्ट बताऊँगा नहीं, मुझे पर्सनली इतनी पसंद आई नहीं ये। देखो इसमें वो बात नहीं आ रही जो, मतलब सबसे बड़ा चीज़ है प्रोडक्ट्स की R&D करना। प्रोडक्ट की R&D कर ली ना अच्छे से तो समझ लो प्रोडक्ट सक्सेस है। R&D की नहीं है, हैंडल बबलिंग मार रहा है, देखो बबलिंग क्या है, ये बबलिंग, इस बबलिंग का कोई इलाज नहीं है भाई, छोड़ दिया ना तो ये उड़ा देगा किसी एक को। और देखो एक और चीज़, स्पीड लॉक हो जाती है यहाँ पे। अब मैंने थोड़ी देर भी पकड़ लिया तो फिर स्पीड जाती नहीं है वापस, अभी तो जा रही है पता नहीं क्यों। अरे रुक जा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चलाई थी तो ऐसे जाम हो गया था स्पीड का। मैं कह रहा भाई ये क्या बवाल है। तो वो चीज़ भी है इसमें, पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा इसे, मैं इसे रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये रिकमेंडेड व्हीकल नहीं है। क्योंकि भाई अगर रिकमेंड करो और वो आपकी जान ले ले तो इससे क्या फ़ायदा, मेरा तो नाम ख़राब होगा चैनल का भी और आपका भी। तो अगर आपको सर्विस अच्छी मिल रही है तो देख लो, इसका एक रिव्यू भी मैंने बनाया था, उस टाइम भी इसके ओनर ने ये कहा था कि इसकी सर्विस का हिसाब किताब देख लो भाई। और वही बात अब आ रही है, मतलब पूरा ब्रेक दबा दिया, डिस्क ब्रेक, और देखो स्लिप नहीं मार रही गाड़ी, हद है। बस ये स्किड मारेगी पता कैसे, देखो बस गिट्टियों पे ब्रेक लगेंगे, रियल लाइफ में ब्रेक नहीं लगेंगे भाई। बाकी आपको ये इसका रिव्यू कैसा लगा बताना ज़रूर, पर भाई मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आ रही है यार। अब एक साल में गाड़ी भाई करीबन 1.5 लाख रुपए बंदा खर्च कर रहा है और एक साल में इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है गाड़ी से। देखो मतलब स्क्रैचेस कितने जल्दी ले आए हैं इसमें,
मतलब गार्ड होने के बाद भी, गार्ड सेफ है पर बॉडी सेफ नहीं है। इतना बड़ा स्विंग आर्म दे दिया, इतने बड़े व्हील दे दिए, कुछ फील आ नहीं रहा है गाड़ी की। मतलब मेरे को बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगी, और मतलब बस लुक्स ही लुक्स है और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको पर्सनली इसे रिकमेंड नहीं करूँगा गाइस, आप इसकी जगह कोई और ले लो, मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, पर मैं ऐसे नहीं बता सकता। बट इससे बहुत अच्छी अच्छी ईवीज हैं, और वॉबलिंग प्रॉब्लम इशूज़ तो मैंने बता दिए। इसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है, बट ये फैंसी DRL दे रखी है, पता नहीं क्यों भाई। हर चीज़ वाले को सॉकर भी लीक कर चुके हैं इसके, भगवान जाने क्या गाड़ी बनाई है। तो बाकी ब्लॉग कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा बताना ज़रूर भाई। वन ईयर ओनरशिप रिव्यू है, ओनर नहीं है सामने, पर ओनर की गाड़ी मेरे दोस्त की है, तो मैंने भी चलाई है ये कम से कम। तो गाइस मत लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी आपकी चॉइस। व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।